परेशान ये किसानों के लोन माफ कर दिए जाते, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो उस मुद्दे को कितना मतलब बताती है? हाँ, ये फिल्म किसानों की वो दर्द को बयां करती है जो अक्सर किसान आत्महत्या कर लेते हैं। उसके पीछे कौन कौन से रीजन है, अगर हम उसको दूर कर दें तो किसानों की आत्महत्या करने जैसी प्रवृत्ति अपने आप इस हिंदुस्तान से खत्म हो जाए। तो आप कहीं ना कहीं सल्यूशन दे रहे हैं किसानों के मुद्दों को लेकर अपनी फिल्म के माध्यम से? हाँ, मैं इसमें किसानों के मुद्दों को उठाने के साथ साथ उसके सल्यूशन भी इस पिक्चर के अंदर हमने प्रस्तुत किया है कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो सकता है। कहाँ शूट हुई ये फिल्म, थोड़ा अगर आप बता दें? हाँ, ये फिल्म मैं आपको ये बता सकता हूँ, ये फिल्म इलाहाबाद के इर्द गिर्द, यूपी के अंदर इलाहाबाद के इर्द गिर्द कई जगहों पे हुई है। फिर एक बनारस के आगे गाजीपुर एक शहर पड़ता है, वहाँ कुछ हुई है, कुछ अंश इसके चेन्नई में भी शूट हुए हैं। तो ये टोटल हुआ है। कोई किसानों को मुद्दे को लेकर जो किसान आपने दिखाया है, गोबर नाम रखा है, तो ये क्या था, मतलब गोबर ही नाम क्यों रखा आपने, मतलब क्या कारण है? ऐसा है कि देखिए, इस फिल्म के जितने किरदार हैं, सिर्फ आप गोबर पे फोकस हो रहे हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस फिल्म के जितने भी किरदार हैं लगभग गवई पटकथा पे, गाँव में लगभग इस तरीके के जो जैसा रिएक्ट करता उसका नाम उसी टाइप का गाँव के लोग रख देते हैं। तो ये उसके हिसाब से ही सारे नाम, जब आप फिल्म को देखेंगे तो लगेगा नहीं ये व्यक्ति अपने नाम के साथ सही तरीके का फैसला किया। फिल्म कितने स्क्रीनों में रिलीज होगी, क्या है आगे की प्लानिंग, कब तक रिलीज होगी फिल्म? ये फिल्म 17 दिसंबर को ऑन स्क्रीन ऑल ओवर इंडिया ओपन है, और ये फिल्म लगभग उम्मीद के अनुसार शुरुआत में हमें जो आज दिख रहा है वो आप लोगों के सहयोग से 400 से 500 सिनेमा मिनिमम स्क्रीन पे आएगी। मैम, आपने कितना रोमांस किया इस फिल्म में, क्या होगा आपका कैरेक्टर? रोमांस अगर हम आज के जमाने को देखें तो उतना ओपनली ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पहले जो छोटी छोटी चीजों में हम लोग खुशी ढूंढ लेते थे, लाइक एक दूसरे को देखना, हग करना, वही रोमांस दिखाया गया है जो एक्चुअल में होता है, जो शुरुआत में होता है, क्योंकि स्टोरी खत्म हुई नहीं, स्टोरी शुरू होने से पहले ही लव स्टोरी का एंड हो गया है। क्योंकि मेरा सवाल आपसे है, आपकी डेब्यू फिल्म है और आपने एक बुनियादी मुद्दे पे आप एक्टिंग कर रही हैं, तो कितना बड़ा रिस्क उठा रहे हैं आप? सर, ये मेरे लिए द बिगेस्ट रिस्क और टास्क था, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी कैमरा फेस भी नहीं किया था। आई एम फ्रॉम होटल इंडस्ट्री, ठीक है, होटल शांगला में जॉब करती थी, एंड ऑल ऑफ द सडन आई हैव जस्ट गॉट द कॉल। सो क्योंकि मैं अनाज से ऑलरेडी रिलेटेड हुआ, आई एम सर्विंग द गेस्ट, तो वहाँ पर जो मेरा कैरेक्टर था हल्दी, किसी ने मुझे देखा नहीं था कि कैसा एक्ट करूँगी, सो एवरीबडी वॉज वेरी नर्वस, इवन मी, कि मैं कैसा प्ले करूँगी। उसके बाद जब व्हेन आई शॉट द फर्स्ट सीन, मेरे डायरेक्टर जो थे अखिल सर और अक्सर अलाहाबादी, जो कि अभी नहीं है यहाँ पर हमारे साथ, तो उनकी आंखों में लिटरली पानी आ गया था, कि दे सेड द फर्स्ट वर्ड ही सेड कि हमें हमारी हल्दी मिल गई है। सर, फिल्म की एक बोलते ना, एक डायरेक्टर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, स्पेशली इस तरह की फिल्म अगर बना रहे, स्टोरी मजबूत होनी चाहिए, तो एज ए डायरेक्टर आपको ये स्टोरी कितनी कंक्रीट लगी और किस तरह से इसको प्रेजेंट करो, कितना बेहतर तरह से फिल्म बन पाई, क्या लगता है? बहुत ही अच्छी बनाई गई है, डायरेक्टर हमारे हर छोटी छोटी बातों को बहुत गहराई से लिए हैं और हर पॉइंट को उन्होंने, मतलब ग्रामीण परिवेश में कैसी स्थितियाँ हो सकती हैं उसको देखते हुए उठाया है। हर करेक्टर को ऐसा जीने को उन्होंने जो है मजबूर किया, ऐसा सीन आएगा देखने, मुझे लगता है हर व्यक्ति इसको अप्रिशिएट करेगा। सर, आपसे सर, जैसे कि ये फिल्म क्या OTT पर भी रिलीज की जाएगी बाद में, रिलीज होने के बाद 15 तारीख के बाद, जो क्या है आपकी क्या प्लानिंग, क्योंकि OTT से काफ़ी रीच आउट जाएगी, क्या कहना चाहेंगे? इसका तो शायद हमारे प्रोड्यूसर साहब ज़्यादा सही जवाब दे सकते हैं। सर, आप जैसे क्या है कि आज का जो दौर है वो हर व्यक्ति OTT की तरफ जा रहा है। बेसिक मैं यहाँ आया हूँ, सार्थक सिनेमा मेरा ब्रांड है, और मोस्ट ओवरली आप लोगों को एक इसके साथ साथ भी संदेश दे सकता हूँ, OTT पे आएगी ये फिल्म, ये तय इस थिएटर के बाद, लेकिन आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि वो खुद की अपनी OTT में लेके आ रहा हूँ,
ओके लास्टली ये कहना चाहूँगा सबसे एक एक रिएक्शन की जो कि फिल्म इंडस्ट्री जो है लोग निर्माता है निर्देशक हैं क्या सीखेंगे इस फिल्म को देख के जो आम जनता भी है देखेगी तो क्या संदेश लेके जाएगी एक एक करके आप सब रिएक्शन दीजिए बेसिक ये है कि जिन चीज़ों को हम भूल चुके आज के परिवेश में जिन चीज़ों को जैसे हमारी इच्छा हमेशा होती है कि हमारा बच्चा ऐसा संस्कारी हो लेकिन आज के परिवेश ऐसे हैं कि वो संस्कार से दूर हो रहा है तो मेरा मानना है कि अगर इस फिल्म को आप सब परिवार बैठ के देखते हैं ठीक तो 100 मैं नहीं कहता कि हर बच्चा उसको अपना लेगा लेकिन मेरा एक सार्थक कदम ये माना जाएगा सार्थक सिनेमा की तरफ से कि जो चीज़ मैं पुरानी संस्कृति को संस्कार को जो आपके अंदर है वही आपके बच्चों के अंदर आए ठीक इसका ही हमने प्रयास किया और सजीव प्रदर्शन है जब बच्चा उस पिक्चर को देखेगा तो 110% मेरा मानना है कि वो अपने संस्कृति और संस्कार को भूल नहीं पाएगा आगे से आप अपने बच्चों में खुद ब खुद बदलाव पाएंगे आपका सवाल था कि अभी के जो बॉलीवुड फिल्म मेकर से उनको क्या सीख ले सकते हैं आई थिंक हमारी जो रियल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है बॉलीवुड से बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं इम्पैक्ट होते हैं बॉलीवुड मूवीज से तो मसाला मूवीज एक तरफ है अगर हम कहीं ना कहीं ऐसे कॉन्सेप्ट भी उठाएं तो आई थिंक आज की जो जनरेशन है अभी जो बच्चे हैं वो भी पता कर पाएंगे कि व्हाट एक्चुअली व्हाट हैपेंड और व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग इन रियल लाइफ अपार्ट फ्रॉम दैट मसाला एंड कॉमेडी जैसा कि पब्ली ने बोला ठीक वैसा ही मेरा भी सोचना है इस बारे में और क्योंकि कॉन्सेप्ट ही मैंने इसको डेवलप किया था आप सभी के साथ होकर तो इसमें प्रॉब्लम का सलूशन तो है ही उसके साथ साथ इसमें जो लोगों के इमोशंस हैं एक दूसरे के साथ जैसा प्यार होना चाहिए और अगर इंसान गरीब है तो उसको बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है जैसे कि आपने एक क्वेश्चन उठाया था कि आत्महत्या तो अगर वो बंदा खुश रहेगा तो शायद वो आत्महत्या ऐसा कदम नहीं उठाएगा तो हमने इसको भी इसमें दिखाने की कोशिश करी है कि एक बंदा कैसे खुश रह सकता है बाकी बिल्कुल समर्थन भारत सरकार का कल्चरल डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी कुछ खर्च कर रहा है भारत के ये ट्रेडिशनल कल्चर और इसके बचाने की कोशिश में तो अगर इस तरीके की बॉलीवुड बना रही है मूवी तो अच्छी बात है क्या आप लोग प्रमोट करने के लिए बिग बॉस के घर जाएंगे फिल्म सर ये फिल्म बिग बॉस के अंदर तो नहीं जा रही है नहीं प्रमोट करने के लिए ये सिर्फ लोगों के पास जा रही है बिग बॉस पे नहीं जा रही है और ये फिल्म की एक जो सबसे बेहतर पार्ट था क्योंकि बिग बॉस के अंदर सर जो है वो हम नहीं जा रहे ओके एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखे तो टैक्स फ्री होना चाहिए तो आपको क्या आप गवर्नमेंट से कुछ अपील करना चाहेंगे भारत सरकार से कि ये टैक्स फ्री हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे देखिए ये टैक्स फ्री होना चाहिए इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि इस तरीके के पिक्चर ले आने का हौसला आज के समय में कोई भी नहीं कर रहा है तो अगर इस तरीके की पिक्चर आती है तो सरकार कोई भी हो उसको आगे बढ़ के इनको प्रोत्साहन देना चाहिए ऐसा हमारा मानना है और एक जो सबसे बड़ी चीज छूट रही है इस मूवी के साथ वो हम आप लोगों से भी निवेदन करेंगे ये फिल्म सिर्फ किसानों पे नहीं है देश के जवानों पे भी है और अभी हमारे देश ने एक ऐसा जवान खोया है ऐसी अपूर्णीय क्षति हुई है जिसका कोई जवाब नहीं है तो हम ये फिल्म क्योंकि जवानों पे भी आधारित है हम ये फिल्म अपने देश के उस व्यक्तित्व को भी समर्पित कर रहे हैं जिसको अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने खोया है यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी को भी है ये फिल्म हम समर्पित कर रहे हैं ऐसा है अब आपने अभी ये मैं थोड़ी देर बाद अभी मैं ये थोड़ी देर बाद ही कहने वाला था लेकिन अगर आपने ये शब्द पूछ लिया ये प्रश्न पूछ लिया है तो हमने ये फैसला किया है कि इस फिल्म की नेट प्रॉफिट का 25% हम
अपने देश के तीन स्तंभों को भारत सरकार के फंड में देंगे। पहला स्तंभ हम अपने देश के किसानों को, दूसरा स्तंभ अपने देश के जवानों को, और जो तीसरा स्तंभ वो दर्द हमने देखी है। हमारे पत्रकार बंधु इस महामारी में, कोरोना पीरियड में बहुत से अपने भाइयों को खोए, तो इसका एक इनकम, एक हिस्सा हम सरकार को इस तरीके से डोनेट करेंगे कि उन पत्रकार बंधुओं के परिवारों की हित के लिए जो आप कर सकते हैं वो करें। ये फिल्म अपने हिस्से की नेट प्रॉफिट का ये निकाल के दे रही। किसानों का मोर्चा का इसमें कुछ दिखाया गया है, जो मोर्चा भी दो दिन पहले खत्म हुआ है, वापिस आ रहे हैं, दो डेढ़ साल से एक साल से लगा हुआ था, उसके बारे में कुछ दिखाया गया है? नहीं, क्योंकि ये पिक्चर हमारी इस मोर्चा बनने और आने से पहले की ही शूट हो चुकी है। ओके सर, थैंक्स सर।